Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. Students, this is a lecture for MBA HR specialization students and the subject is SHRM, that is Strategic Human Resource Management. So today we will discuss the topic Strategic Decisions of Outsourcing and it is in unit number 4. So what is Strategic Decisions of Outsourcing? What do companies like? Hero Honda Motors, Bharti Airtel Adventures, National Stock Exchange, HDFC Bank, Sony Entertainment, हयात सर्विसेज एंड एचपीए किस तरह कंपनीज क्या पसंद करते हैं ये कुछ कंपनीज के नेम दिए हैं नीचे द कॉमन थ्रेड रनिंग दोस दीस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इज दैट ऑल ऑफ देम हैव चोजन आउटसोर्स तो कॉमन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे सभी ने आउटसोर्सिंग सेलेक्ट की है आउटसोर्सिंग के थ्रू दे आर डूइंग देयर बिजनेस एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस टू गार्न टैंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स तो टैंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स लॉन्ग रन के लिए इन लार्ज बिग कंपनीज ने जो बिजनेस डिसीजन स्ट्रेटजी चूज किया दैट इज आउटसोर्सिंग इंडीड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ सक्सेसफुल एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विद इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज दैट डज नॉट आउटसोर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और मैनेजमेंट और ये इंपॉर्टेंट है आज के इंडिया में अभी भी सक्सेसफुल और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और आउटसोर्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट डज नॉट आउटसोर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ आई टी मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और मैनेजमेंट सो डज इट वर्क तो जब हम आउटसोर्स करते हैं तो क्या ये वर्क करता है डज इट मेक सेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसोर्स इट्स आई टी नीड्स क्या कंपनी के लिए कोई सेंस है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई टी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आउटसोर्सिंग करे मोस्ट ऑफ द सीआईओज एंड एनालिस्ट वी स्पोक दैट स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन तो इन्होंने जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है टू सेव ऑन कॉस्ट एंड स्पीड अप डिलीवरी बाय फोकसिंग ऑन कोर बिजनेस नीड्स Then to elaborate on the benefits, let's look at infrastructure strategies 2004. अभी benefits को elaborate करने के लिए, the CIO annual survey conducted at Network Magazine to analyze technology investment pattern. तो CIO ने एक annual survey conduct किया Network Magazine के through जिसमें उन्होंने analyze किया कि technology investment patterns क्या है in Indian enterprises. And the survey conducted among the survey conduct kiya gaya among top corporates and shows that nearby 54% of CIOs outsource to reduce cost. The woman survey se nikala ki 54% ka jo outsourcing ki jati hai it is reducing the cost. A similar view is echoed by Michelle Kamenos ne bhi isi tarike ka view dekha jab wo vice president the ID team manager hai ID services Asia Pacific national ke कि मोस्ट कंपेलिंग रीजन व्हाई कंपनीज गेट इनटू आउटसोर्सिंग उन्होंने भी यही जाना कि व्हाई कंपनीज आज के टाइम में कंपनीज आउटसोर्सिंग में इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं उसका मेन रीजन है सेव कॉस्ट एग्री अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज अदर इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटजी आउटसोर्सिंग आर फोकस ऑन कोर और इसके अलावा एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज जो स्ट्रेटजिक आउटसोर्सिंग है वो किस पर फोकस कर रही है कॉम्पिटेंसीज पर एसेस टू स्पेशल एक्सपर्टाइज higher speed of delivery and access to new technologies. And focus on the core area. Given the pressures of competitive market, organizations tend to focus on their core activities. So competition market ko beat up karne ke liye organization apni core activities par dhyan de jaise aur activities that link up directly with the revenues and hence the profitability. In such scenario, companies tend to outsource their non-core staff. So, इस तरीके के scenario में जो non-core staff है, उसके लिए कंपनी आउटसोर्सिंग करती है। यहाँ पे example के लिए रखा है, Hero Honda Motors is a good example for organization that uses strategic outsourcing to focus on core competencies. Core competencies पे focus करने के लिए example ये काम करती है। इसके बाद President Information System IAS 2004 survey हुआ, जिसमें 46% CIOs ने of the CIOs who outsource have planned to do so consider focus on. फिर दोबारा सर्वे किया गया आउटसोर्सिंग को लेकर तो उसमें यह पता चला कि बेसिकली जो आउटसोर्सिंग की जाती है वो कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करके की जाती है और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है आउटसोर्स करने का पहला तो सेव कॉस्ट है दूसरा है कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करना देन कॉम्पिटेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट अडॉप्टेड आफ्टर
provide study business benefits in the field. Outsourcing provide you कुछ definitions हैं, Pankaj ने बताया outsourcing provide competitive strategy benefits in a number of ways to an organization. It allows ease of management, क्या क्या फायदे हैं इसके, ease of management, reduction in cost, manpower की कम requirement होती है and free of internal resources. Outsourcing can and frequently does provide आउटसोर्सिंग दोनों तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स टू द कंपनीज दैट आउटसोर्स प्रोवाइडेड दे हैव स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटसोर्स. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गेन्स आर बेस्ट रियलाइज्ड बाय सेलेक्टिंग अ वेंडर हू ब्रिंग्स वैल्यू टू योर कोर बिजनेस. देन बिजनेस रिलेटेड क्या है, अब इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आउटसोर्सिंग इज बिजनेस रिलेटेड डिसीजन. आउटसोर्सिंग क्या है, बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है and not simply an IT need. The ultimate goal of outsourcing is to bring benefits to business. Or ultimate जो goal है outsourcing का वो किसी भी तरीके से business को benefit देना है और उसके customer को benefits देना है. There are some examples. Customers के लिए क्या benefit हो सकता है, customers के लिए to bring innovative and streamlined products in the market, services like billing, customer relationship management, data warehousing. Changing landscape में क्या है, past Indian companies were not very keen to outsource their IT needs. पहले के जमाने में इंडियन कंपनीज IT needs को फुलफिल करने के लिए आउटसोर्सिंग पर इतना ध्यान नहीं देती थी. क्यों, क्योंकि एंटरप्राइज IT environments were relatively less complex, easier to manage और inexpensive. ये रीजन से इसलिए आउटसोर्सिंग को ध्यान नहीं दिया जाता था. बट नाउ आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द IT companies also. इनोवेटिव ऑप्शन, इंडियन एंटरप्राइज टूडे हैव अ वैरायटी ऑफ आउटसोर्सिंग ऑप्शन. आज के टाइम में इंडियन मार्केट के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ आउटसोर्सिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू वो चूज कर सकती है राइट पर्सन राइट फिट. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं जो ऑफर करते हैं सर्विसेज जिसके अंदर डेस्कटॉप क्लाइंट मैनेजमेंट है, सर्वर मैनेजमेंट है, केबल मैनेजमेंट है, फायरवॉल मैनेजमेंट है, पैच मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट है, आईटी ऑडिट्स हैं, बैकबोन एंड कनेक्टिविटी है, वेबसाइट होस्टिंग है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट बैंक एग्जाम्पल दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक का इंटू एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड एग्रीमेंट विद आईडिया इंडिया. पार्टनरशिप सपोर्ट्स बैंक गोल्स टू बिकम टोटली कस्टमर सेंट्रिक बाय प्रोवाइडिंग मोर सिक्योर रेस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट सर्विस. इट अलाउज द बैंक टू स्केल अप ऑपरेशंस एंड परसुएट एग्रेसिव ग्रोथ. बिफोर यू आउटसोर्स, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वॉट टाइप ऑफ सर्विस है, जिसको किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विस की, किस तरह ये सारी चीजें ध्यान में, वॉट पर्सपेक्टिव इज ड्राइविंग द एफर्ट्स, आइडेंटिफाइंग डिसीजन राइट, ये सब चीजें ध्यान में, इनपुट राइट्स क्या है, उनके डिसीजन राइट्स क्या है. उसके अलावा हाउ अदर पर्सपेक्टिव्स अफेक्टेड, अदर पर्सपेक्टिव्स कैसे इफेक्ट होंगे, आइडेंटिफाई करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम, वर्क देम आउट, क्या पहले भी नहीं उन्होंने किया है, उनका क्लियर फैक्टर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उनकी कंप्लायंस चेक करें, प्रिंसिपल्स चेक करें कि दैट दे आर फिट विद आर्किटेक्चर और नॉट, तो वाई शुड कैरी इट आउट, क्या जरूरत है उसकी, इवेल्युएट करें डिफरेंट स्टाफिंग पॉसिबिलिटीज को, वाई शुड पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. और रिकमेंडेशन क्या है, अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव्स एंड हाउ दे अफेक्ट सोर्सिंग डिसीजन, अंडरस्टैंड हाउ पर्सपेक्टिव मस्ट बी हार्नेस्ड टू ड्राइव सोर्सिंग डिसीजन, then develop a structured sequence of steps of sourcing decisions, develop evolving governance architecture, then develop internal decision modes. So ये कुछ solutions है, जब भी हम outsource करें तो उससे पहले हमें ये questions को दिमाग में रखना चाहिए और उनके solutions हैं. तो ये सारी चीजें हैं इसकी जो हमें ध्यान में रखनी है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए. So this is all for today and thank you, have a nice day.